प्रदेश कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस ने आज कानपुर में भी एक भारी प्रदर्शन किया है। यहाँ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने और यहाँ पर भारी मात्रा में कांग्रेसी यहाँ से जा रहे हैं, साथ में जिला अध्यक्ष हैं, बहुत सारे इनके जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। नौशाद जी, यहाँ पर क्यों यह प्रदर्शन किया जा रहा है? प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, मंदिर के अंदर अयोध्या में महिला के साथ उत्पीड़न हुआ, उसके शारीरिक शोषण किया गया, प्रदेश में कानून का राज न होकर सरकारी तंत्र के गुंडा राज का राज है, उसके विरोध में आज मंडलीय प्रदर्शन मंडलायुक्त कार्यालय में हो रहा है और राज्यपाल को ज्ञापन दिया। यहाँ पे यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार हमेशा कहती है कि उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो फिर ये प्रदर्शन? पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर अपराध हो रहे हैं ये सरकारी नेता है, उत्तर प्रदेश नंबर एक पे है, चाहे वो महिला का अपराध हो चाहे कोई अपराध हो पूरे देश में। तो इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। आप अयोध्या के मंदिर के अंदर अगर अयोध्या में रेप हो रहा है तो आप समझिए, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भारी संख्या में अलग मंडलों से सारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन करके आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी है और इसी वजह से वो यहाँ से पूरा मंडल आयुक्त के पास जाएंगे और फिर मंडल आयुक्त को ज्ञापन देंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।